जम्मू कश्मीर सबसे ऊंची हिमालय पर्वत श्रृंखला की गोद में बसा, धरती पर स्वर्ग। इस जगह प्रकृति के कुछ सबसे शानदार भूदृश्य पाए जा सकते हैं। लद्दाख के रेगिस्तान, कश्मीर के घने जंगल और जम्मू के मिले जुले पर्णपाती यानी डेसीडुअस वन। ये विशेषताएं इस इलाके को पर्यावरण के नजरिए से देश के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक बनाती हैं। यहां कमाल की जैव विविधता है और इस उपजाऊ भूमि में पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की ऐसी हजारों किस्में और प्रजातियां हैं जो सिर्फ यहीं मिलती हैं। ऊंचाई वाली जगहों पर मौजूद ग्लेशियर असंख्य नदियों, प्राकृतिक स्रोतों और जलधाराओं को जन्म देते हैं जो यहाँ की वादियों से होकर बहती रहती हैं। ये और आगे झीलों को पानी मुहैया कराती हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों, किसानों और बागवानों की जीवन रेखा हैं। डल लेक कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ये भी एक विश्व विरासत स्थल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक लोकप्रिय पर्यटन गंतव्य है। डल लेक लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है और कश्मीर के पर्यटन उद्योग की प्रतीक है। डल झील की दमकती शांत जल राशि तीन ओर से पीर पंजाल पर्वतमाला से घिरी है। ये झील कछार वाला एक क्षेत्र है जिसमें उन विभिन्न नदियों और जलधाराओं से पानी नियमित तौर पर आता और जाता रहता है जो श्रीनगर के चारों ओर मौजूद जंगलों से होकर बहती हैं। ये पांच बेसिनों का एक मेल है। ये हैं गगरी बल, बोर्ड डल, हजरत बल, नगीन और बरारी नंबल जो 18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। सदियों से ये झील और इसकी खूबसूरती शायरों, यात्रियों और कलाकारों को प्रेरित करती आई है। श्रीनगर शहर इस झील के चारों ओर स्थित है। ये झील एक जीवंत पर्यावरण प्रणाली है जो 20 लाख लोगों और यहां हर साल आने वाले लाखों सैलानियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पालती रहती है। डल झील सिर्फ पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत ही नहीं है, ये यहाँ के शिकारे वालों और हाउस बोट स्वामियों के लिए पर्यटन के जरिए राजस्व पैदा करने का एक मुख्य स्रोत भी है। बागवानों और किसानों जैसे स्थानीय समुदाय अपनी रोजी के लिए अधिकतर इस झील पर ही निर्भर करते हैं। अनुमान लगाया जाता है कि राज्य को मिलने वाले कुल राजस्व में से डल झील का अंशदान लगभग 16% है और राज्य के करीब 40% लोग झील से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों में व्यस्त हैं। डल झील में मछलियों की भी अनेक प्रजातियां मौजूद हैं और ये फिशरीज यानी मछली पालन के जरिए हजारों लोगों की रोजी को भी कायम रखती हैं। फिशरीज इस इलाके का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है, पर बदकिस्मती से ये महत्वपूर्ण जीवन रेखा आज खुद गंभीर संकट से घिरी है। इसमें से पकड़ी जाने वाली मछलियों की तादाद लगातार कम हो रही है। झील प्रदूषित हो गई है और पर्यटन पर भी विपरीत असर पड़ा है। इस संकट के कारण कई हैं। कभी इस शानदार झील का आकार 75 वर्ग किलोमीटर था जो अब खतरनाक ढंग से सिकुड़कर सिर्फ 12 वर्ग किलोमीटर रह गया है। इसकी गहराई कभी 45 फुट होती थी जो अब कुछ जगहों पर तो केवल 4 फुट रह गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक इसकी वजह है अनियंत्रित इंसानी गतिविधियां और अतिक्रमण।
फसलें उगाने और घर बनाने के लिए इसके काफी बड़े हिस्सों का भराव कर दिया गया है। झील के इर्द गिर्द गेस्ट हाउस, होटल और रेस्टोरेंट बन गए हैं, जिससे झील का आकार और घट गया है। कमल तथा अन्य सब्जियों की खेती पहले बहुत फायदेमंद हुआ करती थी, लेकिन अब इनके कारण झील का प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है और ये भी झील के सिकुड़ने की एक वजह है। किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का बेहिसाब इस्तेमाल करते हैं, साथ ही सीवेज से निकलने वाला गंदा पानी और औद्योगिक इकाइयों के प्रदूषक तत्व भी झील के मिजाज को बदल रहे हैं और पानी को जहरीला बना रहे हैं। काई तथा अन्य खरपतवार झील में खूब पनप रही है, जिससे इस उथली झील का जैसे दम ही घुट गया है। जो समुदाय अपनी रोजी रोटी के लिए डल झील पर निर्भर हैं, उनके लिए ये भारी चिंता का सबब है। झील में ऑक्सीजन का स्तर घटने से मछलियों का दम घुट रहा है। पकड़ी जाने वाली मछलियों की तादाद में कमी आने से लोगों को भारी माली नुकसान भी हो रहा है। श्रीनगर के लोगों को पीने का पानी भी सीधे डल झील से ही मिलता था। उपयुक्त ड्रेनेज सिस्टम और निकलने वाले गंदे पानी के ट्रीटमेंट की सुविधाएं न होने के कारण गंदा पानी और ठोस कचरा रोजाना सीधे झील में समा जाता है। कल तक हम यहाँ पानी पीते, इस पानी से मर्ज दूर हो जाता है। अगर किसी को कोई दर्द होता है, उसको झील डल में जाओ, वहाँ गुता लगा, नहाना करो, तो दर्द दूर हो जाएगा। अब इसमें हाथ धोने से भी हम कुतराते हैं। ये समस्या न सिर्फ झील में रहने वालों बल्कि सैलानियों की लापरवाही की वजह से भी और बढ़ती जा रही है। झील के इर्द गिर्द मौजूद लगातार बढ़ते होटल और दूसरे कारोबारी इदारे अपने कचरे को सीधे ही झील के हवाले कर देते हैं। कुछ एक दशक पहले ये झील यहाँ के बाशिंदों को पीने का साफ पानी मुहैया कराने का मुख्य स्रोत हुआ करती थी, लेकिन इसके पानी की लगातार बदतर होती क्वालिटी न केवल इंसानों बल्कि इसमें रहने वाले बहुत से जीवों को भी बुरी तरह प्रभावित कर रही है। अध्ययनों से पता चला है कि झील में पहले मेंढकों और मछलियों की बहुत सी प्रजातियां होती थीं, तथा यहाँ प्रवासी पक्षियों की भी बहुत सी प्रजातियां आया करती थीं, लेकिन अब इनकी तादाद घटती जा रही है। झील के सामने तैरते हुए विशाल बाघों की शक्ल में भी एक बड़ा खतरा मौजूद है। कश्मीरी भाषा में इन्हें राद कहते हैं। ये वनस्पति और तलछट के मेल से बनते हैं। इन्हें झील की तली से काट दिया जाता है और पानी की सतह आया जाता है। ये क्योंकि पानी की सतह के ऊपर होते हैं, इसलिए इन्हें लगातार सिंचाई हासिल होती है और फसल भी बढ़िया मिलती है। सैकड़ों किसान अपने इन बाघों की देखरेख करते देखे जा सकते हैं। इन तैरते हुए बाघों से पूरी वादी की सब्जियों की करीब 50% मांग पूरी होती है। तैरते हुए बाघ इस झील पर्यावरण का हिस्सा कई साल से रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कुदरती फिल्टर की तरह काम करते हुए झील के पर्यावरणीय संतुलन को कायम रखने में मदद करते हैं, लेकिन बेहतर उपज के लिए कीटनाशकों का हद से ज्यादा इस्तेमाल आज चिंता की एक मुख्य वजह बन गया है। इन बाघों से निकलने वाला पानी झील को प्रदूषित कर रहा है और झील के पानी में जो रासायनिक अपशेष बढ़ रहे हैं, इसे उनकी एक बड़ी वजह पाया गया है। अध्ययनों से पता चला है कि लेड यानी सीसा, आर्सेनिक, मैंगनीज और कैडमियम जैसे खतरनाक रसायन इन मछलियों में जमा हो जाते हैं, जिन्हें इंसान खाते हैं, और इससे लोगों को सेहत संबंधी गंभीर जोखिम झेलने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, इन तैरते हुए खेतों से साल दर साल जो कचरा निकलता है, उसने भी इस झील को उथला और एसिडिक बना दिया है। अर्थ मैटर्स टीम झील के अंदरूनी हिस्सों तक गई ताकि सरकार की उन कोशिशों पर करीब से नजर डाल सके
जो उसने डल झील की मूल खूबसूरती को बहाल करने के लिए की है। जब नाव हाउस बोटों से आगे गई तो हमने इंसान के बनाए जजीरों को देखा जो बेहद तंग और बदबूदार बस्तियों से घिरे हुए थे, और आज जहां ये बस्तियां बसी हैं वहां कभी डल झील के बैक वाटर्स हुआ करते थे। गंदे पानी में उगी घटिया खरपतवार ये संकेत देती है कि डल अब एक धीमी मौत की तरफ बढ़ रही है। पहले जहां डल में शांत जल राशि हुआ करती थी, वहीं अब इसकी सतह पर पॉलिथीन और काई नजर आती है, और इसमें से 24 घंटे बड़ी तीखी गंध निकलती रहती है। साल दर साल इस झील के पानी में जिन जहरीले अपशिष्टों को डाला गया है उनसे गहरा हरा और जहरीला हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये इस झील के सूखने का एक लक्षण है। लेक जो है वो उसकी न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, वाटर कॉलम्स में प्रॉब्लम हो गई थी, वाटर केमिस्ट्री ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से वेजिटेशन काफ़ी ज़्यादा, एक ऐसा स्टेज उसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं, वो आ गया है, और लेक में जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ गई, चैनल्स जो हैं वो ब्लॉक हो गई थी। इस प्रक्रिया को यूट्रोफिकेशन कहते हैं और यहाँ इसकी शुरुआत हो चुकी है। यूट्रोफिकेशन तब होता है जब झील के पानी में कृत्रिम रूप से पोषक तत्वों की भरमार हो जाती है, जिससे पेड़ों की असामान्य बढ़वार होती है। रासायनिक उर्वरकों, सीवेज तथा दूसरे कचरे के जरिए हर साल झील में 15 टन फास्फोरस और 300 टन नाइट्रोजन पहुंचते हैं, जो खरपतवार के लिए फर्टिलाइजर का काम करते हैं। ये चीजें पानी की सतह पर पेड़ पौधों की बढ़वार के लिए एक सम आधार मुहैया कराती हैं और पानी के बहाव को रोकती हैं। पिछले कुछ बरसों में एक पौधा इस झील में जंगली आग की तरह फैला है, जिसने इस झील की पर्यावरण प्रणाली को बुरी तरह प्रभावित किया है। इसका नाम है अजोला प्लांट। इस इलाके में इस कटिबंधीय पौधे के होने का almost made a kind of carpet on the various basins of the Dal Lake and it is an alarming situation. जैविक प्रभावों के साथ साथ इस झील की भौतिक स्थिति में भी लगातार गिरावट आ रही है। भौतिक गिरावट से मतलब ये है कि इस झील का आकार तेजी से सिकुड़ रहा है। आसपास के इलाकों में जंगलों की कटाई के कारण झील में गाद जमती जा रही है, जिसके कारण ये उथली हो रही है और इसका आकार और घट रहा है। कुदरती तौर पर तैरते हुए बाघ भी अब अतिक्रमण का जरिया। गैर कानूनी अतिक्रमण, झील के इर्द गिर्द अनियोजित और अनियंत्रित विकास और इमारतों के बनाए जाने से कछार वाले इलाकों से पानी झील में नहीं पहुंच पाता, जिससे डल झील की हालत और बदतर होती जा रही है। पहले डल झील अपने आप में एक छोटा सा शहर हुआ करती थी, जो आत्मनिर्भर थी और बराबर फल फूल रही थी, लेकिन पिछले कुछ ही दशकों में झील के आसपास रहने वाले लोगों की तादाद कई गुना बढ़ गई है। ये लोग रिहायशी और कारोबारी उद्देश्यों से सीधे ही कछार वाले मुख्य इलाकों से पानी का इस्तेमाल करते हैं। इस सदी की शुरुआत में डल और नगीन झीलों में 100 से भी कम हाउस बोट हुआ करती थी, लेकिन 1981 में यहाँ कुल 1100 हाउस बोट दर्ज की गई और झील के आसपास की बस्तियों में लोगों की आबादी भी करीब 24,500 हो गई, यानी 1973 के मुकाबले ये 100% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी थी। हाल के एक अध्ययन से पता चला है कि कछार इलाके के आसपास 2,00,000 से ज्यादा लोग रहते हैं और 70,000 से ज्यादा लोग झील के बीच में मौजूद बस्तियों में रहते हैं।
झील के उथले इलाकों के काफी बड़े हिस्सों को भर दिया गया और इन द्वीपों का इलाका हर साल बढ़ता ही चला गया है। अगर ये झील सूख जाती है तो लाखों लोगों की सेहत पर बहुत ही खतरनाक असर पड़ेगा। इन जजीरे वाले इलाकों में क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है तो ऐसे में पानी इतना प्रदूषित हो सकता है कि उसको फिर से साफ करना मुमकिन ही नहीं रह जाएगा। विशेषज्ञों को आशंका है कि अगर ऐसा हुआ तो डल झील का सफाया हमेशा के लिए हो जाएगा। डल झील हिमालय की झील पर्यावरण प्रणाली में पर्यावरणीय बर्बादी की इस सिलसिले में मिलजुल कर कुछ करें। लेकिन कानूनों और नियमों से भी ज्यादा जरूरी ये है कि हर कोई ये समझे कि इसी पानी को हम पीते हैं और हमारे जिंदा रहने के लिए इसकी जरूरत है। इस भावना और वैज्ञानिक प्रबंधन तथा राजनीतिक इच्छा शक्ति के बल पर ही इस झील को बचाया जा सकता है। अगर लाखों लोगों की जीवन पहला कदम ये होना चाहिए कि झील में दाखिल होने वाले सीवेज और गंदे पानी को उसमें दाखिल न होने दिया जाए। ये प्रदूषक तत्वों का सबसे बड़ा जरिया है। राज्य सरकार ने पहले ही श्रीनगर के लिए एक विशाल ड्रेनेज और सीवरेज परियोजना पर काम करना शुरू कर दिया है। इससे इस झील के संतुलन को बहाल करने में काफी मदद मिलेगी। अगला कदम है झील में से गाद निकालना और प्लास्टिक तथा अन्य कचरे की सफाई। खर और गाद निकालने के काम को युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है और इससे झील पर दबाव कम करने में मदद मिलेगी। लेकिन ये काम वैज्ञानिक तरीके से और विशेषज्ञों के दिशा निर्देशन में किया जाना चाहिए। इस फौरी जरूरत को पूरा करने के लिए हाईटेक मशीनों को आयात किया गया है। आधुनिक ड्रेजिंग मशीन न सिर्फ झील में से गाद निकालेगी बल्कि रुके हुए चैनलों को खोलने में भी मदद करेगी। इससे चैनलों से पानी का बहाव सुनिश्चित किया जा सकेगा और इससे उस बदबू से भी निजात पाई जा सकेगी जो झील की तमाम बस्तियों में फैली रहती है। खरपतवार और इस इलाके से ताल्लुक न रखने वाले पौधों की फौरन किए इससे काई की बढ़वार पर भी रोक लगेगी। विशेषज्ञों की सलाह है कि अगर झील की उम्र लंबी करनी है तो उसके अंदर जो बस्तियां बसी हुई हैं उन्हें कहीं और बसाया जाना चाहिए। झील के इर्द गिर्द इमारतें बनाने पर रोक होनी चाहिए और जो लोग अतिक्रमण करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। डल झील जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रही है। यहाँ के लोगों के लिए सबसे कीमती संसाधन पानी है। अगर हम डल झील और जो लोग इस पर निर्भर हैं को सुरक्षित बनाने के प्रति गंभीर हैं तो हम सबको फौरन कुछ ठोस कदम उठाने होंगे।
अगर डल झील को मौका दिया गया तो उसकी कोई जीनत फिर से लौट सकती है और वादी कश्मीर का संतुलन बहाल हो सकता है।